बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वियर्स, आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं और मूलियां से सौगात होती है, तो बहुत से घरों में मूली के पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं। हमारे घर भी बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो इसको हम ये पराठे बनाने जा रहे हैं मूलियों के। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको ये देखें कद्दूकस कर लिया है और इनको एक मैंने टोकरी में डाल लिया है। साथ मेरे पास नमक है, 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। ये दोनों चीज़ें हम इसको लगा के मूलियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मूलियों का जितना भी पानी है ना वो निकल जाए। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। हल्दी ऑप्शनल है, हल्दी सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ कि वो वाइट वाइट मूलियाँ पराठों में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो हल्दी डालने से ज़रा इनका कलर अच्छा सा आ जाएगा। इसको अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स ये देखें, ये थोड़े से मूलियों के पत्ते भी मैंने उतार लिए हैं। जो ये छोटे छोटे थे ना दरमियान में, वो वाले उतारे हैं, सारे मैंने नहीं उतारे हैं। इनको भी हम काट के तो मूलियों के साथ ही शामिल करेंगे। ये देखें मैंने इनकी डंडियां अलग कर दी, डंडियां इनकी नहीं डालनी, सिर्फ पत्ते पत्ते हम अलग कर लेते हैं। ये देखें इस तरह इनके डंडियों के साइडों से आपने पत्ते उतार लेने। इन पत्तों में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, इनको आपने ज़ाया नहीं करना है। बल्कि अगर आप साग पका रहे हैं, मिक्स साग जो पंजाबी स्टाइल का होता है, अगर उसमें भी आप ये मूलियों के पत्ते शामिल कर दें तो उसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। इसको मैं बारीक बारीक चॉप करके तो ये भी मूलियों के साथ ही शामिल कर दूंगी। इस तरह मूलियों की रोटियां बहुत ही मज़े की बनती हैं। व्यूअर्स अगर हम मूली वैसे इस्तेमाल करें तो वो ज़रा हाजमे में ज़रा मुश्किल होती है, मैदे पे ज़रा भारी होती है। अगर हम इसके साथ मूलियों के पत्तों का इस्तेमाल कर लें तो ये हाजमेदार होते हैं पत्ते इसके, तो ये मूली को हज़म करने में मदद करते हैं और उसकी अफादियत को भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैंने जो मूलियों को नमक लगा के रखा था उसी में हम इन पत्तों को भी मिक्स कर देंगे ताकि मूलियों के साथ साथ इनकी पत्तों की भी कड़वाहट निकल जाए। आधे घंटे बाद अब हम इन्हें मूलियों को निचोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह इनका पानी निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, इसका मूलियों का सारा पानी निकल चुका है, या आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इनका निकल गया। अब मज़ीद इसका पानी हमने निकालना है। बिल्कुल हमारी जो मूलियाँ ये ड्राई होनी चाहिए, इनको हम इस तरह हाथों से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में या फिर किसी नैपकिन में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं, बस इनका पानी हमें निकालना है। देखें इस तरह ये ड्राई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स हमारे ये मूलियाँ निचोड़ ली हैं हमने अच्छी तरह, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब। और ये मैंने कुछ मसाले ले लिए, 1/2 टीस्पून मैंने नमक का लिया क्योंकि नमक हमने पहले मूलियों को लगाया हुआ था, उसमें नमक का टेस्ट है। और 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन लिया है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मूलियाँ खा के उनको बदबूदार डकार आते हैं, तो उसकी जो है ये ज़ीरा और अजवाइन मिलके हाजमा करेंगे और बिल्कुल भी आपको डकार नहीं आएंगे। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए और 2 टेबलस्पून मैंने साबुत सूखा धनिया लिया, ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा लिया है। हम ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे और ये हरा धनिया हमारे पास, इसे मैंने धो के काट लिया था, ये डाल देंगे। और ये हरी मिर्ची हैं, ये भी मैंने बारीक काट ली हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको कितनी हरी मिर्चें चाहिए, जितना स्पाइसी चाहिए उतनी आप हरी मिर्चें ऐड कर लें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आटा इसके लिए हमने जैसा आम हमारे घर का रेगुलर पराठों का आटा होता है, नमक डाल के मैंने आटा गूंद लिया हुआ है। तो अब हम ये मिक्सचर तैयार है, तो अब हम पराठे तैयार करते हैं।
बियर्स ये देखें, आटा गूंद के मैंने इसके यूं छोटे छोटे पेड़े कर लिए। अभी फिलहाल मैं आपको एक पराठा बना के दिखा रही हूँ, आप इसका साइज चेक कर लें कि इस साइज के आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने, पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इनको अब खुशका लगा के तो हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बेलने, दोनों को इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। मूलियां बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। जितनी भी सब्जियां जमीन के अंदर रूट्स की सूरत में होती हैं वो शुगर के मरीजों को मना होती हैं, उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, लेकिन मूली एक वाहिद सब्जी है जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये पित्ते की पथरी के लिए बहुत मुफीद है, आपके गुर्दों में अगर पथरी होगी है उसके लिए मूली बहुत ही फायदेमंद है, और मैदे के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिगर की और मसाने की गर्मी जो है, मैदे की गर्मी जो है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप मूली को किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पानी निकाल के इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर जब आप इसको मूली को पत्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं इसमें स्मेल होती है, इससे स्मेल आती है, खट्टे या बदबूदार डकार आते हैं। तो अब जाहिर है आपने इलाज जो करना है किसी चीज़ का और फ़ायदा हासिल करना है तो इतना तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और अल्लाह ताला ने अगर इसमें थोड़ी सी बैड स्मेल रखी है तो उसका भी कोई ना कोई उसकी वजह होगी। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं बनाई है, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, हर चीज़ की अफादियत है, उससे फ़ायदा उठाएं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह मैंने रोटी को बेलना है। जितनी आप पतली करना चाहते हैं रोटी, इसको पतला कर लें। जो बच्चियां नई नई हैं वो अक्सर वो कहती हैं कि हमसे मूलियां अंदर इसके रोटी के काबू नहीं आती हैं, बिखरती जाती हैं, क्योंकि ड्राई होता है इसका मिक्सचर। तो वो इसमें एक आलू बॉयल करके डाल लें ना, तो फिर उसकी रोटी और ज़्यादा आसानी से बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। ये देखें, अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार मूली का पराठा तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये पराठा है, और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरा ये हेल्दी पराठा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे, और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।